मैम जो माइनस एट बाय फाइव है उसमें से जो फाइव है हम उसे माइनस टू एम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैम जो माइनस एट बाय फाइव फ्रैक्शन है उसमें से एट को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाकर माइनस टू एम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर सॉल्व कर ले। नो मैम, वो जो माइनस टू एम कैलकुलेट करके आएगा थ्री एम और माइनस फाइव को माइनस करके। मैम फिर जो माइनस एट बाय फाइव में फाइव है उसे माइनस टू एम से मल्टीप्लाई कर दे। गलत वो भी नहीं है,
के ये कर दें, अल्टीमेटली m के साथ वाली टर्म डिनोमिनेटर में लेके आनी है, तो फिर आप पहले इसको ऊपर क्यों लेके जा रहे हो? दैट इज वेस्टेड ऑफ स्टेप, वेस्टेड ऑफ टाइम। आप पहले इसको ऊपर लेके जा रहे हो, 5 टू द 10 कर रहे हो, फिर नीचे लेके आ रहे हो, तो बेटा वो स्टेप करने का बेनिफिट ही नहीं है ना। अल्टीमेटली तो डिनोमिनेटर में ही लेके आना ना बेटा, तो नो नीड टू डू दैट। ओके चलिए बेटा, नाउ लेट अस डू अगेन सम मोर एप्लीकेशंस रिलेटेड विद दिस एक्सरसाइज। हां जी रीड नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज 2.4। ओके बेटा, हां जी बिल्कुल, कॉपी पे you have to do only even parts, but in rough copy you have to do each and every question. 2.3 ke bhi even parts copy pe karoge, okay? Saturday your copies will be collected, okay? Haan ji beta, first question mere paas hai, Anima thinks of a number and subtract 5/2 from it. There is a girl, he thinks of a number and subtract 5/2 from it. From ke baad kya hai? Number. To number pehle aayega, yani number mein se we have to subtract 5/2. She multiplies the result by 8. Ye result hai, isko kisse multiply karenge? 8 se. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. अब कहता है जो result आया, ये basically क्या है? That is आ गया तो क्या होगा? Three times the number he thinks या thought of it. तो 3x. ये तो statement वाले questions होते ही बहुत easy हैं। जैसे जैसे कह रहे हैं, लिखते जाइए। अब मेरे पास एक वो बन गया कि ये उसने कहा, चाहे यहाँ पर नंबर है, एक रफ मैंने आउटलाइन ड्रॉ करनी, मेरे को क्या लेट करना है? नंबर। तो लेट का नंबर भी एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 3x। ओपन द ब्रैकेट, ये रफ वर्क के लिए होता है आपको समझाने के लिए। ओके हाँ जी, नाउ ओपन द ब्रैकेट, 8x माइनस, हाँ जी 8 × 5/2 इक्वल टू 3x, कटिंग कीजिए, हाँ जी 8x माइनस 20 इक्वल टू 3x, ये इधर करें क्या, तो 5x इक्वल टू 20, x क्या हो गया बेटा मेरे पास 4। ओके जी, क्लियर टू एवरीवन? चले बेटा आगे, जल्दी जल्दी देखिए। हाँ जी बेटा, लिखा हुआ है? ओ देखा ही, कोई बात मैं अभी करवा देती हूँ बेटा, प्लीज एक्सरसाइज 2.3 का वेरिफिकेशन भी कर ली इवन पार्ट्स की, ठीक है? तो वेरीफाई आपको करना आता है, लेफ्ट साइड पे पुट करो, राइट साइड पे पुट करो, एंड इफ द रिजल्ट इज इक्वल देन इट इज वेरीफाइड, और रिजल्ट इक्वल आना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है? प्लीज वेरीफाई किया होना चाहिए कॉपीज पे, क्लियर? ठीक है जी, चलिए should I move to next question now? Okay, चलिए now comes next question बेटा, question number 2 from the same exercise, a positive number मेरे पास हो गए is 5 times another number, अब उसने मुझे नहीं बताया कि अभी ये another number क्या है, let us see कि वो क्या कह रहा है, पहले हम read करेंगे, after then we will see कि what is given here. A positive number is 5 times the another number. Okay, पहले sentence में ये दिया। If 21 is added to both the numbers, अगर मैं दोनों में
21 ऐड कर दूं तो मेरे पास वो है, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स मेरे पास जो है ट्वाइस द अनदर न्यू नंबर. व्हाट आर द नंबर्स? अब उसने कहा कि मेरे पास नंबर्स के, अगर मैं आपको देखूं, अगर अनदर नंबर में x ले लूं तो जो पॉजिटिव नंबर है वो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा. मेरे पास दो नंबर्स आ गए इसका मतलब, एक नंबर x हो गया, दूसरा नंबर 5x हो गया. अब वो कह रहा कि अगर मैं दोनों में 21 ऐड कर दूं तो जो वन नंबर है वो ट्वाइस है अदर का. अब सबसे बड़ी बात मुझे ये देखना है ट्वाइस किसका लेना है. ऑलरेडी जो है मेरे पास बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है वही छोटे का ट्वाइस बनेगा, बनेगा कि नहीं? यहां गलती नहीं करनी है. तो हम सबसे पहले लिखेंगे जो हमें लिया, लेट अनदर नंबर इज इक्वल टू एक्स. तो पॉजिटिव नंबर 5x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है. अब देखिए एक तरफ मैंने 21 इधर ऐड किया और दूसरा 25. उसने यही कहा था ना कि 21 इज एडिंग टू द नंबर. अब ध्यान से यहां पर देखिए, इफ 21 इज एडिंग टू बोथ द नंबर देन द वन नंबर इज ट्वाइस द अदर, क्योंकि ये बड़ा है. देखो यहाँ x है, यहाँ 5x है, तो 5x बड़ा है तो बड़ा नंबर ये छोटे के ट्वाइस हो सकता है ना. अगर कोई बच्चा 5x plus 21 इधर लिखे, x plus 21 इधर लिखे, तो ट्वाइस इधर आ जाएगा. बात समझ आई? बड़े की तरफ ट्वाइस नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी बड़ा है, तो वहां पर कभी भी ट्वाइस नहीं आ सकता, छोटे के साथ ट्वाइस. ये बात सबको क्लियर हुई? मैं ऐसे भी लिख सकती थी 5x plus 21 is twice x plus 21. Doesn't matter ना, वो टर्म इधर लिख दिया, वो टर्म इधर. बस हमने ये याद रखना है ट्वाइस किसके साथ आना, हमेशा छोटे के साथ. इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर? अब ओपन करें तो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पर, आगे 2x. डिस्टर्ब नहीं करना बेटा क्लास में किसी को भी. नाउ ट्रांसपोज, हाँ जी, x टर्म्स ऑन वन साइड, ओके जी, माइनस 21 कैंसल, नेगेटिव नेगेटिव, x इज 7, ओके. नाउ व्हाट दे हैव रिटन, व्हाट आर द नंबर्स, दैट मींस I need to calculate both the numbers. So therefore, numbers are, मेरे पास one is x and the other is 5x. 5 into 7, that is 35. Okay, बेटा जी. Clear to everyone? चलें बेटा आगे. Okay, okay. Note it down, beta. Note it down. Beta, कुछ भी नहीं किया. मैंने आपको कहा, आप imagine कीजिए. ना मैं example देती हूँ. आपकी और मेरी एज की बात हो रही. ये कहा गया, आपकी एज जो है, वो मेरी एज से 5 times है. ठीक है, ये मेरी एज. मैं अपनी एज पर बात कर रही. मेरी एज आपकी 5 times है. लेकिन 21 years ago, after 21, अब अगर हम दोनों की एज में 21 ऐड कर दिया जाए तो क्या बोला जाएगा? माई एज विल बी ट्वाइस ऑफ योर एज ना. मैं बड़ा तो मैंने ही जाना ना, क्योंकि आगे भी मेरी एज आपसे क्या थी, 5 times थी. तो दिस इज मी, मेरी ऑलरेडी एज आपसे 5 times थी. तो ट्वाइस इसके साथ नहीं आ सकता, हमेशा इसके साथ आएगा क्योंकि ये छोटा है. ओके, बात क्लियर हुई? सबको क्लियर है? चले बेटा आगे. चलो नेक्स्ट बेटा, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3. आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3. अब बेटा बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन,
पहले मेरे से एक कॉन्सेप्ट समझोगे प्लीज लास्ट बॉयज लिसन मी वेरी केयरफुली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे नाइन्थ टेंथ हर जगह आना है किसी ना किसी फॉर्म में उसमें कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टू डिजिट नंबर एक टू डिजिट नंबर ऑब्टेन कैसे होता है अगर मैंने लिखा 23 आप एक्सपेंडेड फॉर्म करते थे ये बेसिकली बनती कैसे आपको पता दिस इज वंस दिस इज टेंस है ना टेंस वाले को टेन से मल्टीप्लाई प्लस वंस ठीक है ना टेंस वाले को टेन से मल्टीप्लाई प्लस वन अगर मैं टू डिजिट नंबर ले लू एबी तो क्या बनेगा ये A into 10 plus B. If it is x1, x into 10 plus 1. लिखते हैं फिर जो भी नंबर है मेरे पास हो ठीक है तो उसको हमेशा आपने टेंस वाले को 10 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना ओके बेटा क्लियर तो अब आप जो है यहाँ पर क्या करोगे मेरे पास हो गए क्वेश्चन में आपको बहुत बार आते हैं द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर हम अगेन से वर्डिंग क्या होती है द सम ऑफ अ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर डिजिट्स कौन से होते हैं मैं यहां देखूं तो कौन कौन से डिजिट है इनका सम यहाँ कितना है सम 5 अगर मैं कहूं कि सम 9 है तो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं 5 and 4 और 2 and 7 0 9 मतलब 9 0 1 8 कितने सारे हैं हमें नहीं ना पता चलता है 5 plus 4 बिल्कुल 54 हमने तो 9 बनेगा तो हम क्या करते हैं अगर मेरे पास 2 डिजिट की बात हो रही है तो मैं आपको बड़ी क्लास का एक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ साथ ही ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो ओके मैंने लेफ्ट डिजिट एट वंस प्लेस मैंने डिजिट एट वंस प्लेस ले लिया एक्स और मैं कह रही हूं अगर सम ऑफ द डिजिट्स वो क्या है अभी लिखो मत अभी समझा रही हूँ मैं जनरल सी बात कर रही हूँ है ना अगर मैं कह रही हूँ सम ऑफ द डिजिट इज 9 100% therefore digit at tens place वो क्या हो जाएगा 9 minus x ओके जी अब मैंने बनाना है नंबर मुझे अगर ones और tens digit पता चल गया तो नंबर कैसे बनाते हैं मैंने अभी बताया tens वाले को tens से multiply plus ones अकेला tens वाले को tens से multiply करते नहीं छोड़ना आप क्या करोगे हमेशा टेंस वाले को टेन से मल्टीप्लाई प्लस वन तो मेरे पास देयरफॉर नंबर इज टेन मल्टीप्लाई नाइन माइनस एक्स प्लस वन अच्छा कोई बच्चा ऐसे नहीं कर सकता था वो टेंस वाले को एक्स ले ले तो वन प्लेस क्या होता था नाइन माइनस वन इज द सेम थिंग एंड में आंसर बिल्कुल सही मिला बात समझ आई और ये डिपेंड करता है लेफ्ट क्या करें अल्टीमेटली हमने निकालना है तो वही ठीक है अब चलिए करें यहाँ से अब इसको सॉल्व करें तो मेरे पास नंबर क्या बच गया 19 माइनस 10 एक्स प्लस एक्स दैट इज 90 माइनस 9 ये बना अब यूज होता है ऑन रिवर्सिंग या ऑन इंटरचेंजिंग डिजिट्स ये बार बार यूज होगा कहीं ना कहीं तो जब भी आता है ऑन इंटरचेंजिंग या रिवर्सिंग What does it means? It means अगर मैं इस नंबर का रिवर्स करूं, तो ये बन जाएगा 32. यानी अब जो टेंस वाला नंबर है वो वंस पे चला गया, वंस वाला नंबर टेंस पे. तो ऑन इंटरचेंजिंग अब नंबर क्या बन जाएगा बता सकते हो? 9 मेरे पास यहाँ मत किया करो गलती होने का डर होता है आप क्या करोगे यहीं पे करोगे 10x प्लस 9 माइनस इंटरचेंजिंग का मतलब अब वंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई प्लस
10 साल है जो ये हुआ ना, तो अब मेरे पास नंबर क्या आ गया 9x+9। आपने तो मुझे और बताया था ना, आप लोगों ने कहा कि मैडम यहाँ 9 कर दो, यहाँ -9 भी x गलत हो गया मैंने फिर आपका। हाँ जी कोई गलती तो नहीं की हमने, देख लो समझ आ गई नहीं आपका, समझ आ गई क्लियर हुआ। मैं फिर बता दू, मैं फिर बता, 23 था तो आपने 1 वाले को ऐसे ही लिखा था और 10 वाले के साथ 10 मल्टीप्लाई किया, तो मैं कहती हूँ ऑन इंटरचेंज। ऑन इंटरचेंजिंग का मतलब जो नंबर है वो कैसे आएगा, ये 1 पे था अब इसको 10 पे लिख दिया प्लस 10 वाला, यही किया मैंने, तो यहाँ पर भी यही किया मैंने। देखो 1 वाले को 10 से मल्टीप्लाई प्लस 10 वाला है, जब इंटरचेंजिंग का मतलब 1 वाला डिजिट 10 पे पहुंच जाना है, 10 वाला डिजिट 1 पे। अब इसको सॉल्व करो, ये 9x+9 बात समझ आ, इतना काम आप 10th तक भी चले जाओगे ना हर क्वेश्चन में होना ही होना, जहां डिजिट वाला क्वेश्चन आ गया ना इंटरचेंज करना नंबर लिखना 100% होगा ही होगा। मैंने तो एक पर्टिकुलर केस लिया है जहां पर सम 9 है, क्योंकि बुक में सम 9 दिया है ना, तो मेरे मुंह से वो निकल गया, अदरवाइज सम माइट बी ए, तो आप क्या लिखोगे a-9, ऐसे ही चलेगा। समझ आ गई मेरी बात, अब हम सम पढ़ते हैं कि उसमें क्या बात है। लेट अस रीड द क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। When we interchange the digits, interchange का मतलब ones वाला tens पे, tens वाला ones पे, it is found that the resulting new number on interchanging new number, यही आया था ना, उसने कहा कि interchange करने के बाद जो new number है मेरे पास, ये सारा समझाने के लिए आपको कहता था। न्यू नंबर, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यू नंबर दैट इज, उसने कहा इज फाउंड टू बी मेरे पास ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। उसने कहा जो न्यू नंबर है, यहां पर बहुत बार हम ओरिजिनल नंबर भी लिख दो, आप नंबर भी लिख दोगे तो कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि एक्चुअल में तो नंबर यही है ना। तो उसने कहा कि अगर मैं इंटरचेंज करती हूँ तो जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 27 क्या है, बड़ा है, तो दैट मींस न्यू नंबर इज 27 मोर देन द ओरिजिनल, ओरिजिनल नंबर 27 और यहाँ पर न्यू नंबर, न्यू नंबर कितना है मेरे पास 9x+9। ओके जी, इज इट क्लियर, यहाँ पर आपने वर्डिंग लिखनी है तो ये लिख लीजिए अपने लिए, ये ओरिजिनल नंबर आपको याद रहेगा। ओके नाउ सॉल्व इट, 9x+9 इज इक्वल टू 90 - 9x+27। अब बेटा ट्रांसपोज कीजिए, 9x+9x इन दोनों को लाइक टर्म्स है, 117 - 9, हियर इट इज 18x इज इक्वल टू 9 माइनस कीजिए तो मेरे पास कितना आएगा 108, चेक करना बेटा x इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 18, हाँ जी बिल्कुल जी 6, x इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं होता बेटा, हमने नंबर निकालना है, फाइंड द नंबर। अब नंबर कहाँ पर पुट करेंगे, ये यहाँ पर, बिकॉज़ दिस इज द ओरिजिनल नंबर, तो आप लिखोगे देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर is equal to, बेटा मेरे पास हुए 90 - 9x, 90 - 9 into x,
Yes, आपके पास सिक्स कहां से आया पहले वो फिर निकालोगे कि सम ऑफ द डिजिट्स आपके पास क्या थे नाइन थे है ना, तो आपने वहां से नाइन माइनस थ्री किया तो सिक्स आया। बट आगे हायर क्लासेस में इसी में पुट करते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, आप वो भी बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको बात समझ आई? और जो बच्चा ये नंबर नहीं ना निकालता उसका वन मार्क्स डिलीट हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, नंबर निकालने के बाद। अब देखो मैं आपको चेक करके बताती हूँ हमने जो किया वो सही किया कि नहीं। जस्ट वेट प्रॉब्लम, वेट बेटा। मेरा नंबर निकला 36 ओरिजिनल, इंटरचेंज करो इसको, कितना बना 63। उसने कहा कि जो न्यू नंबर है ना वो ओरिजिनल नंबर से कितना बड़ा है 27। मैं 36 में 27 ऐड करूं 63 बन रहा है, आंसर सही है कि नहीं? ओके जी, क्लियर? यस प्रवीण बेटा, प्रवीण यस। मैम मुझे समझ नहीं आया आपने क्या कराया। बेटा मैं दोबारा बता देती हूँ। हाँ जी प्लीज, आई एम अगेन रिपीटिंग द क्वेश्चन। सबसे पहले उन्होंने बात की थी मेरे पास टू डिजिट नंबर जो है, एक टू डिजिट नंबर के नंबर्स का सम, डिजिट्स का सम मुझे नाइन दिया। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि एक टू डिजिट नंबर ऑब्टेन कैसे होता है। वंस प्लेस पे अगर मैंने लेफ्ट किया तो टेंस वाले को मैंने 9 माइनस x कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उसने कहा कि मेरे पास डिजिट्स का सम कितना दिया हुआ है 9। अगर डिजिट्स का सम 9 दिया है, एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा 9 माइनस x, यानी टेंस वाले पे मुझे नंबर पता चाहिए 9 माइनस x। अब मैंने आपको इससे पहले भी नंबर लिखना बताया कि हम नंबर कैसे लिखते हैं। टेंस वाले को टेंस से मल्टीप्लाई प्लस वंस, ये मैंने एग्जांपल देके बताया था। अब इसको ओपन कर दिया, ओपन करके मेरे पास नंबर आ गया। फिर मैंने आपको कहा जब भी टू डिजिट वाला क्वेश्चन आता है ना उसमें इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट जरूर आएगा, आता ही आता है। 99% मेरे पास हो गए वो कॉन्सेप्ट आता ही आता है। जस्ट वेट बेटा, आया कि ओरिजिनल नंबर ये आया, इंटरचेंजिंग नंबर कैसे बनाते हैं? अगर टेंस वाले को टेंस से आगे मल्टीप्लाई करते हैं, वंस वाले को टेंस से मल्टीप्लाई प्लस टेंस नंबर। अब उसने कहा इंटरचेंजिंग वाला नंबर आ गया, उसने कहा कि जो न्यू नंबर आया वो ओरिजिनल नंबर से 27 क्या है बड़ा है, दैट मींस न्यू नंबर इज ओरिजिनल नंबर प्लस 27। सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू आ गई, मेरे पास x की वैल्यू आ गई, तो तुम क्या ओरिजिनल नंबर में पुट की एंड यू विल गेट योर आंसर। हां जी बेटा, यहां नहीं समझ आया बेटा, मैंने x की वैल्यू 6 पुट की। हां जी 96 था 54 और 90 में से 54 माइनस की तो कितने 36 ही होती है बेटा। ओके क्लियर? कैसे मतलब? क्यों पहले वाला नंबर लिया तो है ओरिजिनल नंबर, ये देखो आप टेकन बोथ द नंबर्स, उसने न्यू नंबर मतलब इंटरचेंजिंग वाला नंबर और पुराने नंबर में रिलेशन दिया होगा। हमेशा देखना, दे ऑलवेज सेड कि न्यू नंबर इज ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर, माइट बी ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस द न्यू नंबर, कुछ भी दिया होगा। ओके जी क्लियर? हाँ जी, गुड बाय एंड टेक केयर बेटा, एंड वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन।